discussed in case of plane weave, derivatives of plane weave, that is warp rib, weft rib, and third derivative is Hoopsack. Hoopsack is extension lengthwise as well as widthwise. 4 up 4 down है तो repeat size हो गया 4 ऐसे और 4 ऐसे 4 ऐसे और 4 ऐसे 8 into 8. Now we will be discussing derivatives of Hoopsack weave. इसके भी derivative हैं. What are the purpose of derivative? Because it is there 4 up and 4 down. तो ये देखो 1 2 चार वेफ्ट के ऊपर से जा रहा है, चार के नीचे से. तो ये वाला पोर्शन दिस बिकम्स लूज, इसके ऊपर लूज. जैसे ये फैब्रिक है, ये बिल्कुल मान लो फिटेड है आपस में वार्प और वेफ्ट. ये लूज हो जाएंगे तो ये कहीं भी किसी कॉर्नर पे लगेंगे, कहीं भी नेल में कील में लगेंगे, तो ये इससे लूज है तो ये टूट जाएगा. तो बेसिक पर्पज ऑफ डेरिवेटिव इज टू मेक देम फास्ट. वट इज फास्ट? फास्ट इज ऑपोजिट ऑफ लूज, मतलब ढीले को टाइट करना. अब हाउ वी विल डू? वी विल बी स्टिचिंग इट समवेयर. वट इज स्टिच? स्टिच में क्या करते हैं, दो कपड़े हैं उसके नीचे ले जाते हैं और फिर धागा ऊपर लाते हैं, या फिर ऊपर से धागा नीचे लाना, दिस इज कॉल्ड एज स्टिचिंग. तो हम स्टिच भी बोल देते हैं. स्टिच मतलब बांधने के लिए. तो अब ये अलग अलग, देर आर वेरियस मेथड्स टू स्टिच. लेट अस से 4 अप 4 डाउन. इफ वी कम हेयर, ये देखो इट वॉज 4 अप 4 डाउन. तो यहां कितना गैप था? 4 का गैप था. इसको कम करने के लिए क्या किया, ये यहां, ये वाला यहां चला गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां. इसके अंदर अब 2 का गैप रह गया 4 की बजाय. इसमें भी 4 अप था, अब 2 अप रह गया. और थोड़ा डिजाइन भी वैसा ही मैट फिनिश का, यानी Hoopsack का रह गया. Hoopsack इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट वीव, मैट चटाई जैसी वीव, मैट एम ए डबल टी. ये दिस इज वन मेथड. अनदर मेथड इज, ये यहां आ गया डिजाइन, ये रहा, ये 4 था, 1 2 3 4 ऐसे ही 1 2 3 4. बीच में एक वी हैव इंसर्टेड वन थ्रेड, इसके बीच में एक थ्रेड एस लिख रखा है, इंसर्ट कर दिया. ये एस मीन्स स्टिचिंग थ्रेड. स्टिचिंग करेगा तो ये 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन ऐसे चलेगा. इसमें भी 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप बीच में, तो ये इसको स्टिच कर देगा थोड़ा, यानी इसके गैप को, ये जैसे 4 थी तो ये बीच में दबा देगा इसको थोड़ा, इसको भी दबा देगा, ये थोड़ा लूज स्ट्रक्चर तो रह जाएगा, बट देन इट इज देयर. तो इसको बोलेंगे सेंटर में एक अलग से थ्रेड चलाया है स्टिचिंग, तो ये बन गया सेंटर स्टिच्ड Hoopsack वीव. Hoopsack वीव तो थी, इसमें सेंटर में स्टिच किया है तो सेंटर स्टिच्ड Hoopsack वीव बन गई. इसमें कोई अलग से थ्रेड नहीं चलाया, बस स्टिचिंग की है, तो इट इज कॉल्ड एज स्टिच्ड Hoopsack वीव, स्टिच्ड Hoopsack वीव. लेट अस नाउ ड्रॉ बोथ ऑफ देम. पहले सेंटर स्टिच्ड, सेंटर स्टिच्ड Hoopsack वीव. तो कितना है, लेट अस ड्रॉ 4 अप 4 डाउन सेंटर स्टिच्ड Hoopsack वीव. तो कितनी होगी, ऐसे करोगे तो ये जो था पहले भी ड्रॉ किया था हमने, ये 4 times एक्सटेंड हो गया, ये भी 4 times, 4 up 4 down, 4 up 4 down. अब इसके बीच में हमने एक स्टिचिंग थ्रेड डाल दिया, एक इसमें डाल दिया स्टिचिंग थ्रेड, तो कितने हो गए, 4 plus 1 यहां आ गया, 4 plus 1 यहां, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 plus 1 4 plus 1 10. तो रिपीट साइज अब हो गया 10 वार्प एंड वेफ्ट इज सेम, वेफ्ट में कोई नहीं डाला, तो 8 वेफ्ट. वार्प इज 10, वेफ्ट इज 8. लेट अस मेक इट. ये देखो 10 into 8 बना रहे हैं, तो बीच में लाइन लगाई 5 5. अब 5 है एक तरफ 2 के लिए, एक तरफ 3 के लिए. अब इसमें बीच में लाइन ले ली 1, इसमें 2, ऐसे इधर 2 3. अब विड्थ वाइज देखो 8 8 का हाफ 4 4 का हाफ 2 1 1 2 1 1, हो गया 10 into 8. नाउ
वन टू थ्री फोर बीच में स्टिच थ्रेड है, वन टू थ्री फोर ये स्टिच थ्रेड है। तो भरना वैसे ही है जैसे पहले भर रहे थे, फोर अप फोर डाउन, ये फोर फोर के दो ब्लॉक हो गए, इधर फोर प्लस वन का एक ब्लॉक हो गया, ये फोर प्लस वन का। तो पहले में क्या है, फोर अप फोर डाउन, ऐसे ही ये चारों भरे जाएंगे सेम। अब ये वाला क्या है, नेक्स्ट वाला था ये नेक्स्ट फोर डाउन और फोर अप, और ऐसे विड्थ वाइज ये चार बार होगा, फोर डाउन फोर अप, वन टू थ्री फोर, फोर डाउन फोर अप, ये बराबर इसके ये स्टिच रह गया, फोर टाइम्स ऐसे विड्थ वाइज कर दिया। अब स्टिच थ्रेड है ये बीच में, स्टिच मतलब ऊपर जाएगा नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो हम इसे भर देंगे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये वाला इससे ऑपोजिट है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो दिस इज कॉल्ड एज सेंटर स्टिच्ड होप सेक वीव। ये फर्स्ट हील शाफ्ट में आ गया, ये फर्स्ट में आ गया, ये भी फर्स्ट में, ये भी फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये सेकंड में, ये सेकंड में, ये सेकंड में, ये फिर इनसे अलग है, ये थर्ड में, ये फोर्थ हील शाफ्ट में। तो ऐसे 10x4 बन जाएगा, ये हो गया 10x4 हील शाफ्ट ड्राफ्ट के लिए। तो ये फर्स्ट में आ गया, ये भी फर्स्ट में सेम है, इन चारों की वर्किंग सेम है, तो चारों फर्स्ट में आ गए। इसकी वर्किंग इससे अलग है, चाहे सेकंड में ले लो इसे चाहे थर्ड में, इसकी वर्किंग इनसे अलग है, तो ये आ गया, ये सेकंड में आ गया, तो ये थर्ड में आ गया, ये चारों की वर्किंग सेम है, थर्ड में आ गए, इसकी वर्किंग इन सबसे अलग है, फोर्थ में आ गया। तो पहले यहां लिख लो वन टू थ्री फोर कितने हील शाफ्ट चाहिए, यहां चार चाहिए थे, चार में आ गया। पहले ये आ रहा था दो में, देखो दो हील शाफ्ट चाहिए थे बस पहले, अब चार चाहिए, और यहां पर इसका आप पैक प्लान बना लेंगे। अब लेट अस मेक अनदर वन, ये जो स्टिच्ड होप सैक है 4x4, ये डिजाइन बनाते हैं। तो ये वी हैव ड्रॉन 8x8 फोर अप फोर डाउन, ठीक है, स्टिच्ड होप सैक वीव, स्टिच्ड होप सैक वीव। आपने पूरा लिखना है, कहीं छोटा लिख दो इसको। रिपीट साइज क्या है, 8x8, फोर यहां पर भरना है अप, फोर यहां पर डाउन, और जैसा इधर भरोगे इधर फोर टाइम्स, अब फोर टाइम्स, तो 4x4 था, ये कॉर्नर वाला छोड़ दिया हमने, तो वन टू ये कॉर्नर वाले स्टिचिंग के लिए छोड़ दिए, तो अप आ रहा था तो ये डाउन हो गया, यहां आ रहा था तो डाउन हो गया, ये इससे ऑपोजिट होगा, मिरर इमेज, यहां डाउन है तो यहां अप, ये सेकंड वाला कोई डाउन अप है सारे तो डाउन, ये सारे अप हैं और एक यहां डाउन है तो यहां, यहां सारे अप हैं तो डाउन, यहां देखो ये डाउन है तो यहां अप, ये डाउन है तो यहां अप, ये इससे ऑपोजिट, मिरर इमेज बनाते हैं हम, कभी भी कॉपी करेंगे तो मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब है जैसे शीशे में दिखेगा, तो शीशे में पास वाला पास को दिखेगा, दूर वाला दूर दिखेगा, और दूर वाला, ये ऑपोजिट बनाने हैं इसके, यहां भरा हुआ है तो ये खाली हो गया, यहां भरा हुआ है तो ये खाली हो गया, यहां भरा हुआ है तो ये खाली, यहां भरा हुआ है तो ये खाली, बाकी सारा फिल कर दो। वैसे देखोगे तो फोर डाउन फोर अप था, पर ये भी मेथड है बनाने का, ये मिरर इमेज और ये वाला, यहां ये ब्लैंक है तो ये यहां फिल कर दिया, यहां ये ब्लैंक है तो यहां फिल कर दिया, बाकी भरा हुए चार पॉइंट्स नहीं भरे हुए। तो ये आपका बन गया है स्टिच्ड होप सैक वीव। तो ये सेंटर स्टिच्ड है, ये स्टिच्ड है, इसकी सेम ही वो बनेगी लिफ्टिंग, वो सॉरी ड्राफ्ट, ये फर्स्ट में चला गया, ये इससे अलग है, ये सेकंड में, ये दोनों सेम है, ये सेकंड में, ये और ये सेम है फर्स्ट में, ये थर्ड में, इनके सेम नहीं है, ये फोर्थ में, ये भी फोर्थ में, दोनों सेम है, और ये इससे मैच करता है, तो ये थर्ड में आ गया। तो कितनी चाहिए हील शाफ्ट, फोर, ये लिख लिया कौन सी हील शाफ्ट में कौन सा जाएगा पहले ही।
फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, थर्ड। और यहां पर इसका आप पैक प्लान बना लो। पैक प्लान ये फर्स्ट में या तो ये या ये कॉपी कर लो। इसमें क्या है, पहला खाली है, दूसरा तीसरा भरा हुआ है, चौथा खाली है, चौथा खाली, पांचवा और लास्ट वाला भरा है। ये सेकंड, इनमें से कोई भी ले लो, इसमें फोर अप फोर डाउन है, चार भरने बस, चार। थर्ड वाला ये है, फर्स्ट में क्रॉस है, फोर्थ में क्रॉस है, फिफ्थ छोड़ के सिक्स सेवन्थ में क्रॉस है, और ये ऊपर के चार में क्रॉस है, फोर्थ वाला। ये या ये ले लो, ये या ये बन गया आपका पैक प्लान।